एवरीवन, वेलकम टू नेगीस किचन। आज हम बनाएंगे चंद्रकला मिठाई, जैसे गुजिया, लड्डू, बालूशाही दिवाली के समय पे बनाई जाती है, उसी तरह चंद्रकला मिठाई भी बनाई जाती है। इस मिठाई को मावा और मेवे भर करके बनाया जाता है। देखने के लिए मुश्किल लगता है बनाना, लेकिन जितने खूबसूरत चंद्रकला मिठाई दिखाई देती है उतनी ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है और उतनी ही ये टेस्टी भी होती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। इसमें मैदा ऐड करेंगे 1 कप, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। चम्मच की मदद से आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद्रकला मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार आपको बनाने का मन भी करेगा। अभी हम इसमें 4 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से चंद्रकला मिठाई जो हम बनाएंगे वो खाने में बहुत ही खस्ता और कुरकुरापन भी आएगा। इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आटा इस तरीके से दिखाई देगा, ब्रेड क्रम के जैसा दिखाई देगा, तो ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से होना चाहिए। अभी हम इसमें हल्का गुनगुना पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा गून करके तैयार करेंगे। आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और अच्छे से आटा गून करके तैयार करें। आटा गूंद करके तैयार कर लिया है हमने। अभी हम इसको ढक देंगे और साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए। आटा गूंद करके तैयार कर लिया है हमने। अभी हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग, जो कि मावा से हम बनाएंगे। 1/2 कप मावा ऐड करेंगे एक बाउल में। दो बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। आप पिसी हुई चीनी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। दो बड़े चम्मच कटे हुए काजू ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच बादाम ऐड करेंगे। बादाम को मैंने उबाल करके छील लिया है और इस तरीके से छोटे आकार में कट कर लिया है। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच दूध ऐड करेंगे, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग बना करके तैयार करेंगे। मावा और मेवे के साथ में हमने स्टफिंग बना करके तैयार कर ली है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम बनाएंगे चाशनी, जिसके लिए 1 पैन में 1 कप चीनी ऐड करेंगे और 1 कप पानी ऐड करेंगे। चाशनी में अच्छे से उबाल आने तक मध्यम आंच पे इसको पकाएंगे। चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हम इसमें 1 छोटा टुकड़ा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू को भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चाशनी गाढ़ी होने तक 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। कलर के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो केसर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मध्यम आंच में इसको पकाएंगे। चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, चिपचिपी और गाढ़ी चाशनी बना करके तैयार करें। चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे भी साइड में रख देते हैं। 15
15 मिनट हो चुके हैं। आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी बेलने के लिए थोड़ा सा आटा ले लेंगे। आप पूरे आटे को 3 से 4 भाग में डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से लोई बना ली है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और सूखे आटे की मदद से इसको बेल करके तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला ना बेले, थोड़ा सा मोटा ही रखे ताकि जब ये फ्राई होएंगे तो ये फटेंगे नहीं। इस तरीके से बेल करके तैयार करें। यहाँ पे मैंने एक कुकी कटर यूज़ किया है गोल आकार का। आप चाहे तो कोई भी ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 अलग अलग सर्किल्स में इसको कट कर ले। ये जो एक्स्ट्रा आटे की परत है इसको अब हम हटा देते हैं। सिर्फ गोल सर्किल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा चम्मच स्टफिंग भर देंगे एक पूरी में और दूसरी पूरी से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छे से इसको इस तरीके से प्रेस कर दे ताकि अंदर कोई हवा ना भरे। अगर हवा भरेगा तो पूरी फ्राई करने के टाइम पे फट सकती है। इस चीज़ का ज़रूर से आप ख्याल रखिए। ये अच्छे से हमने इसको इस तरीके से कवर कर लिया है। चंद्रकला मिठाई बनाने के लिए इसको अच्छे से अभी हम शेप देंगे। पहले इस तरीके से फोल्ड कीजिए किनारे पे और थोड़ा सा खींच करके इस तरीके से फोल्ड करते रहिए। थोड़ा हल्का सा इस तरीके से ऊपर की ओर प्रेस कीजिए और इस तरीके से फोल्ड कीजिए। इसी तरीके से अच्छे से पूरे गोल आकार को डिज़ाइन देके कवर कीजिए। ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा दिख सकता है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कैसे फोल्ड किया जाता है अच्छे से, ताकि जब भी आप चंद्रकला मिठाई बनाएंगे तो आपको कभी बनाने में दिक्कत ना आए। इसीलिए मैं अच्छे से फोल्डिंग करते हुए दिखा रही हूँ। इस तरीके से पूरे सर्किल को अच्छे से फोल्ड करके अच्छा सा डिज़ाइन दे दे। देखिए कितना ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से बाकी आटे के पेड़ों से भी बना करके तैयार कर लेंगे। 2 तरीके से स्टफिंग कर सकते हैं। एक चम्मच से भी आप इसको स्टफ कर सकते हैं और इस तरीके से मावे से लोई बना करके भी इस तरीके से स्टफ कर सकते हैं। अच्छे से किनारों को चिपका दीजिए और किनारों को फोल्ड करके इसमें भी अच्छे से डिज़ाइन बना करके तैयार करें। यहाँ पर हमने मध्यम आंच पे तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें इन पूरियों को फ्राई करेंगे अच्छे से लाल होने तक। इसको दोनों और अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। दोनों और अच्छे से ये लाल हो चुका है। अभी हम इसको निकाल देते हैं और
चाशनी में इसको डिप कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको भिगा के रखेंगे चाशनी में। इसी तरीके से बाकी पूरियों को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देखने में खूबसूरत और बहुत ही स्वादिष्ट चंद्रकला मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। मावा और मेवे के स्टफिंग के साथ खस्ता और रसीली चंद्रकला मिठाई बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। आप भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गार्निश के लिए हल्का सा कटा हुआ बादाम और पिस्ते का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफिंग में अपने मन पसंदीदा अनुसार आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तभी के लिए धन्यवाद।